नीचे तक आया सुगर का वध करने के लिए, आप क्या लेने के लिए आयो, आप मेरे दरबार के लिए प्रस्थान कीजिए। जवाब दिया दरबार में क्या करेंगे, बोले दरबार में सब कुछ है, यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। जवाब दिया सुनो भैया, अगर तू इतना ही बड़ा दानी राजा है तो जहाँ घर का मालिक होता है उसके हाथों में सब कुछ होता है, आप हमें दरबार में क्या ले जाकर के करोगे, जो देना है यही समर्पण कर दो। जवाब दिया तो मांग लीजिए। बोले हमने मांगा तुमने नहीं दिया तो, बोले जाओ तेरे बच्चा के साथ कह रहे हैं आप जो मांगोगे वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। जवाब दिया अगर देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, तुम अपनी कुंजी और लगाम को मुझे दे दो। बोले जहां कुंजी लगाम आपकी नहीं और कुछ, बोले दक्षिणा रह गई वो आप हमें दरबार में चल के देना। बोले ठीक है। दरबार में पहुंचे हैं, सुंदर से आसन पर विराजमान किया है, आदेश किया है भैया खजांची को बुलाया। जवाब दिया चले जाओ, जाकर के 60 बार सोना निकाल करके इन्होंने दक्षिणा मांगी है इनके हाथों में दे दो। खजांची को जैसे ही आदेश किया है, विश्वामित्र मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, देख लीजिए हरिश्चंद्र कुंजी लगाम जब दे चुके हैं तो ये आदेश किस पर कर रहे हैं। आदेश जिस समय किया है महाराज हरिश्चंद्र ने, अतुल विश्वामित्र ने इशारे में अरे कह दई बात ठिकाने, राजा ने खजांची बुलवायो बुलवायो खजांची को आदेश दिया है। चलिए विश्वामित्र ने मुस्कुरा करके जवाब दिया माफ करना हरिश्चंद्र, कुंजी लगाम अगर आप मुझे पहले ही दे चुके हो तो आज आपका अधिकार नहीं बनता है कि आदेश कर रही, सब कुछ मेरा हो चुका है। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया माफ करना गुरुदेव, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं। बोले तुम बिक जाओ, तुम्हारी पत्नी चली जाए, तुम्हारा बालक चला जाए, इसका मुझे कोई डर नहीं, और मेरा जो ऋण है आपको चुकाना ही पड़ेगा, समझ लो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया गुरुदेव अगर आपका आदेश हो जाए तो क्या मैं अपनी तारा जो हमारी पत्नी है उसके पास जा सकता हूँ। बोले चले जा, लेकिन जाना समय नहीं है, बहुत जल्दी जा, बहुत जल्दी लौट गया। हरिश्चंद्र रोकर के जिस समय तारा के पास पहुंचे है, तारा ने जिस समय आता हुआ देखा है, उदासी भरा चेहरा निहार करके मन में विचार करती है, लगता है कोई दरबार से विमुख होकर के चला गया। क्या बात है, कलाई पकड़ के सुंदर से आसन पर बैठा लिया और कहा है महाराज आप इतने दुखी इतने मनहीन क्यों, हाँ पूछ बैठी है पत्नी तारा महाराज हरिश्चंद्र से कि किसी कारण से अप्रियतम प्यारे Oh,
साथ कोई चला गया। ओली ए महारानी तारा जवाब दिया है महारानी थारा ने कहा हाँ। क्या बात है जो आप इतने उदास इतने बने हो। महाराज हरि सुनने जैसे ही सुना है तो जवाब दिया है तारा, अगर उदासी का कारण पूछ रही हो तो जिस तरीके से मैं उदास उसी तरीके से आपको भी होना पड़ेगा। तारा ने जवाब दिया है महाराज, हर पत्नी का ये फर्ज बनता है सुख और दुख में साथ देना। आज आपके ऊपर आपत्ति है विपत्ति है तो मेरा अधिकार है तुम्हारा दुख में भी साथ देना। मैं ऐसी वैसी तुम्हारी नारी नहीं हूँ जो सुख में कदम से कदम मिला के चली हो, दुख आ जाए तो मैं पीछे हट जाऊं। ना ना ना, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चौपाई का वर्णन करते हैं। अब बोली ही महारानी तारा, और सच्चे मित्र की व्रत तभी हो पाती है इंसान के ऊपर आपत्ति होती है, तब तक तो नहीं समझ पाते हैं कि कौन मेरा है कौन नहीं। बोली धीरज धर्म मित्र यल नारी और आपत्ति काल पर कियो चारी। जवाब दिया है महाराज, आज मेरी परीक्षा ले लो कि मैं आपकी कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री हूं। आज बात आ गई तो पूछ ले देवी, जितनी भी नगला कने की माताएं बैठी हैं, कौन सी ऐसी मैया है जो सुबह उठ करके अपने सास ससुर पति के चरणों को स्पर्श करती है। उठाना जरा वाजी वाह। अच्छा छूती नहीं तो छुवाती कौन है, वो बहादुर जी करते हैं। एक काम तो होता होगा भैया, पर वो यज्ञपति जी आपके पैर छुए जाते नहीं। परीक्षित जी आपके है या मती सफाई दिखा। और नवलदेव भैया बन के बैठी है, झूठ मत बोलना भैया। जब राजा ही चोरी करेगा तो प्रजा तो छत्ते कूदेगी। अच्छा ठीक है छोड़ दो, आप लोग नहीं जूते हो, लेकिन कल से अगर कथा सुनने आई हो तो कल से इस नियम को लागू कौन कौन माताएं करेंगे। हाँ तुझे करना भाड़ में गिर जाए तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। कैसे हैं आप लोग? सोनम जी नहीं कहती कथा में सारे दिन भगवान की भक्ति करो? ना ना ना,
भगवान साहब साहब लिखा है भैया, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे घर के लोग तुमसे संतुष्ट नहीं होंगे, ये ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज की डेट में महाराज पत्नियां अपने पति की तब तक ही सेवा करती हैं जब तक जेब में पैसा और शरीर में ताकत, तब तक तो बहुत बड़ी सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, भोजन तैयार, मुंह से निकाल नहीं पाते। बेटा नौकरी करके आ गया तो मैया की निगाह चेहरे पर होगी, बेटा बाहर गया था ऐसा तो नहीं कमजोर हो गया, लेकिन बीबी की नजर जेब पे होगी, कुछ लाया नहीं आए, क्योंकि हमारे गुरुदेव बताया करते थे, अरे नाल प्रेम पति के लिए सीमित है, जब तक पति की जेब में पैसा और शरीर में शक्ति है तो बहुत सेवा है, ये दोनों चीजें नष्ट होती है तो वो पति को बोझ लगने लगता है, ध्यान रखना। तभी तो जे कह रही हम कौन फिर छूने, और अंगीकार भी नहीं हो रही कि चलो भैया सुधार हो जाए, कथा सुनने आई है लेकिन सुधार नहीं करना चाहती है। हम कह रहे फिर आप पूछे कर दो, कल से ये काम करोगी या नहीं, जितने ही हमारे कमेटी वाले बैठे हैं ना पूछना चाहेंगे कि आप लोगों के चरण सुबह छुए जाते नहीं, पत्नियां कौन है इनमें से, थोड़ा अच्छा कल से नियम लागू करेंगे आप पक्का, ये बात चलो आपने हाथ तो ऊंचा किया, लाज तो बचाई तुमने, लेकिन जे देख रहे हैं भैया इन कमेटी वालों की खुशामत करे रहा तो बहुत है, जे कथा कराने के लिए इतने तन मन धन से ये कथा का जो आयोजन रखा है, हैं हैं आपका चला तो तुम बहुत बढ़िया, लेकिन कमेटी वालों की जो पत्नियां बैठी हैं नीचे मुंह मत करो, हाँ इनकी सेवा तो कर ले, जो ये भागवत का जो कार्यक्रम रखते हैं, कथा तुम्हें सुनवाते हैं फिर भी तुम पे फर्क नहीं पड़ता है। अब भैया सोनम जी सीख दे उपाय जाए सीख सवाए सीख का बंदर को जी दो बनो कर रहा हूं, कहते हैं कि
की आदत करने वाले कभी अपनी आदत को नहीं भूलते। बिल्ली से कहोगे कि तू चूहा खाना बंद कर दे, वो तो खाएगी पुरानी आदत है कि बिल्ली रंग स्वभाव नहीं बदले, कथा भागवती रोज सुनियो, आग डाग कब होए न चंदन चे मलिया गिर के पास लगियो। अरे दरग राज पशु क्या जाने चे भैंस के आगे बीन बजियो, कायर सूर बने नाई चे आतन दोए तलवार गई। आदत करने वाले कभी अपनी आदत को नहीं भूलते हैं, भी अपनी आदत से ही मजबूर है तो भगवान से बलाहन से बहुत दूर है। अब भैया सेवा करोगी तो आप अपने लिए करोगी, सोनम जी के लिए नहीं। अर्जी है हमारी और मर्जी है तुम्हारी, जैसा करोगे भैया वैसा तुम्हें फल प्राप्त होगा। सोनम जी नहीं कहती है, मानना हो तो मान लो, ये तुम्हारी खुशी है। सोनम जी का कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। बोली गोविंद भगवान की। भैया जाइए जा प्रकथा का प्रसंग जरा था।